हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकास्टिक एल्बम। मैं हूँ आरती। आज हम करेंगे एक सॉन्ग तुम ही हो फ्रॉम द मूवी आशिकी 2। इट इज रिक्वेस्टेड बाय वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स मिस्टर अक्षय। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। तो सबसे पहले जो केपो है वो लगेगा फर्स्ट फ्रेट पे। फर्स्ट फ्रेट पे केपो लगाने के बाद जो कॉर्ड्स है वो बहुत ही सिंपल है। सो द फर्स्ट कॉर्ड इज ई माइनर कॉर्ड। तो ई माइनर कॉर्ड के लिए मिडल फिंगर रहेगा फिफ्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे एंड रिंग फिंगर रहेगा फोर्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे। ये है आपका ई माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट इज ए माइनर कॉर्ड। तो ए माइनर कॉर्ड के लिए आपका इंडेक्स फिंगर रहेगा सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे, मिडल फिंगर रहेगा फोर्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे एंड रिंग फिंगर थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे। ये है आपका ए माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट इज डी मेजर कॉर्ड। तो डी मेजर कॉर्ड के लिए इंडेक्स फिंगर रहेगा थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, मिडल फिंगर रहेगा फर्स्ट स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे एंड रिंग फिंगर सेकंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे। ये है आपका डी मेजर कॉर्ड। इसके बाद आता है आपका सी कॉर्ड। तो सी कॉर्ड के लिए इंडेक्स फिंगर रहेगा सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे, मिडिल फिंगर रहेगा फोर्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे एंड रिंग फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे। लाइक दिस। ये है आपका सी कॉर्ड। लास्ट इज बी माइनर कॉर्ड। तो बी माइनर कॉर्ड के लिए आपका इंडेक्स फिंगर रहेगा फर्स्ट स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, मिडिल फिंगर रहेगा सेकंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, फिर रिंग फिंगर रहेगा फोर्थ स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पे एंड पिंकी फिंगर थर्ड स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पे। लाइक दिस। ये है आपका बी माइनर कॉर्ड। इंट्रो पार्ट प्ले होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे प्ले होता है। तो सबसे पहले 6 3 2 3 ऐसा प्ले होगा। ये आपके स्ट्रिंग नंबर्स है। तो 6 मतलब सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग, 6 ओपन, 3 ओपन, 2 ओपन एंड 3 ओपन अगेन। तो ये फर्स्ट पार्ट है, 6 3 2 3 6 3 2 3। फिर जो आगे का पार्ट है उसमें सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे आपको फिंगर रखनी है, आपको होल्ड करके सेकंड स्ट्रिंग प्ले करनी है, फिर थर्ड ओपन, फिर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट और फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट। वापस बता देती हूँ, 6 3 2 3 सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट और फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट। तो ये पूरा आपका ऐसे प्ले होगा। ये आपका 4 times प्ले होगा सॉन्ग के स्टार्टिंग में और फिर आप गाने के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आते हैं इसके स्ट्रमिंग पैटर्न पे। मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ किया है। तो आपको जो भी पसंद है, आपको जो भी इजी लगे प्ले करने में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रमिंग पैटर्न मैंने यूज़ किया है वो है ओनली डाउन स्ट्रोक्स, मतलब ऐसे। ये सिर्फ डाउन स्ट्रोक्स ही देने हैं आपको। तो डाउन स्ट्रोक्स में आपका सॉन्ग ऐसे प्ले होगा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम अब तुम ही हो जिंदगी
हो गए डाउन स्ट्रोक्स में। तो डाउन स्ट्रोक्स का एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप कॉर्ड्स चेंज करते हैं एक के बाद दूसरी, तो वो बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट जो स्ट्रमिंग पैटर्न आप इसमें यूज़ कर सकते हैं वो है डाउन अप चक डाउन अप चक डाउन अप चक डाउन अप चक। तो ये स्ट्रमिंग पैटर्न में आपका सॉन्ग ऐसे प्ले होगा। तेरा कर सकते हैं वो है जो नॉर्मली बहुत सारे गानों में यूज होती है वो है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। तो इसमें आपका सॉन्ग ऐसे प्ले होगा। तेरे लिए Drop it in the comment box. Thank you.